हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो कैसे चल रही हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आ गई तो आपकी थोड़ी सी हेल्प करने में, दैट इज़ फ्रॉम द मॉड्यूल्स विच आर एंडेड अप और लिस्टेड इन द सब्जेक्ट नेम्ड एज BXC जो पुणे यूनिवर्सिटी में है। ये सब्जेक्ट के अंडर के कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो मैंने आज मॉड्यूल 3 है, नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर लेने वाली हूँ, ताकि जो चीज़ इजी हो सकती है मेरे साइड से मैं वो आपको इजी करके दूंगी। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल पे 50K सब्सक्राइबर कर दो, डिटेल लेक्चर्स आ जाएंगे। बट या आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें शायद आपको मेरे कुछ आइडियाज़ या ट्रिक्स से ये वाले टॉपिक्स को समझने में ईजीनेस मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टॉपिक में जंप करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। डेसिमल बचपन से सीखा है हम लोग ने, डेसिमल वाली यानी पॉइंट वाले नंबर, है ना? तो आप सबको तो याद ही होगा दोस्तों, जब हम एक मिनट, हाँ, जब हम लिखते हैं 4, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज नथिंग बट 4.0, है ना? जब हम लिखते हैं 5.6, इसका मतलब क्या होता है? एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद 6 है, डेसिमल के पहले एक नंबर है 5। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द डेसिमल सिस्टम। एंड आई होप आपको याद होगा हमारा कैसे होता है दोस्तों। यूनिट्स होता है, फिर टेंस होता है, फिर उसके बाद हंड्रेड्स आता है, है ना? फिर थाउजेंड्स आता है, एंड ये ऐसे जाता है। तो डेसिमल मतलब हमेशा याद रखना, ये ना 10 का बेस रखता है अपने पास। कितने का बेस रखता है दोस्तों? 10। तो यूनिट्स में वो क्या हो जाता है? 10^0। ये टेंस में क्या हो जाता है? 10^1। बेस हमेशा 10 रहेगा और ऊपर का पावर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। क्या रहेगा दोस्तों? बेस हमेशा 10 रहेगा एंड ऊपर का पावर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद क्या होगा? डेसिमल का बाद पावर ना डिक्रीज होगा, जैसे -1, फिर -2, माइनस। और हमें एक चीज़ पता है क्या, कि जो नंबर लाइन होती है उसमें जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा रहता है, राइट? हम लोग कैसे रहते हैं, हमेशा नंबर लाइन को कैसे जज करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। तो ये इस तरह हो जाता है। फिर डेसिमल के बाद इसको हम बोलते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट? अभी हंसना मत, मैं थ थ लगा रही हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोग को वो दिमाग में रहे। हमें ये नहीं, उसको परफेक्शन में नहीं जाना है, हमें उसको समझ के लेना है। रटना कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी चीज़ है। तो डेसिमल में हमेशा याद रखना बेस किस पे चलता है? 10 पे चलता है। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, राइट? अब आ जाते हैं दूसरा नंबर सिस्टम, दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर की भाषा होती है। अब आपने जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में कि पाँच टाइप ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो कंप्यूटर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भाषा चलती है, दैट इज़ नथिंग बट हमारा बाइनरी सिस्टम का भाषा। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? दो डिजिट्स होते हैं। कौन से दो डिजिट्स होते हैं? 1 और 0। 1 और 0 को क्या बोला जाता है दोस्तों? अगर आपको कमेंट सेक्शन में पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, वरना मैं ही बोल देती हूँ। 1 और 0 को बोला जाता है बिट। क्या बोला जाता है दोस्तों? बिट। अगर मैं ये बिट को, यानी 1 और 0 का कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन लूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 0011 या फिर 1010 या फिर 0011, ऐसे कोई भी चार रैंडम कॉम्बिनेशन लेके चार चार बिट को यूज़ करके एक नंबर बनाने को ट्राई किया, तो उसको बोला जाता है निबल। क्या बोला जाता है दोस्तों? निबल। अगर मैंने ऐसे 8 ले लिया, तो जब मैं 8 ले ली तो उसको बोला जाता है बाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी को बोला जाता है बाइट। अगर मैं बाइट और बाइट ऐड कर दूँ, दो बार बाइट ले लूँ, तो उसको बोला जाता है वर्ड। तो बाइट और बाइट कितना हो गया? 16 डिजिट हो गया। 16 डिजिट मिला के एक वर्ड बनता है, 16 और 16 मिला के डबल वर्ड बनता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे जाते हैं हमारा बाइनरी सिस्टम में? बिट बाइट, सॉरी, बिट निबल बाइट एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी सिस्टम होता है वो ये वाले हायरार्की को फॉलो करता है। देन आ जाता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है दैट इज़ ऑफ 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है दोस्तों दैट इज़ ऑफ 8। तो यहाँ पे 8 का बेस हो जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल एक बहुत न्यू कंसेप्ट है, उसको हम लोग एक साथ अच्छे से डिटेल में देख लेंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने दो, अभी जो मैं एग्जांपल लिखूंगी आप उसको अपने वर्ड्स में डाल को लिखोगे ना तो अभी आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आंसर में क्वालिटी मैटर करता है, क्वालिटी तो हम डाल ही रहे ना। तो चलो फिर एक एक करके सारे डिजिट्स को देखते हैं, सारे सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे डेसिमल नंबर से, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे हम डेसिमल से। ठीक है, अब यहाँ पे सो डेसिमल नंबर सिस्टम सेज दैट कि कोई भी नंबर हो हम लोग उसको विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा बेस कंसिडर करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू 10 का बेस कंसिडर करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होंगे टोटल दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिर्फ इतने डिजिट्स होते हैं, यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं। भले ये शुरू जीरो से हो रहा है बट टोटल डिजिट्स कितने हैं दोस्तों हमारे पास? 10 डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं कोई रैंडम नंबर ले लूँ, कौन सा नंबर दोस्तों, मैं अगर मान लो नंबर ले रही हूँ 6, 4, 5, 3, तो इसको मैं डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करूँगी दोस्तों? इट इज़ वेरी सिंपल, 6 × 10⁻², ये कौन से पोजीशन पर है हमारा, शुरू करते हैं, ये 10⁻² पोजीशन, 10⁻² पोजीशन, 10⁻² पोजीशन, ये कौन सा है, 10⁻−1 पोजीशन। तो ये 10⁻² प्लस 4 × 10⁻১ प्लस 5 × 10⁻⁰ 0.3 × 10⁻−1, तो ये सारा इस फॉर्मेट में आ जाता है। राइट दोस्तों, हम लोग को पता चल गया कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो किसका मल्टीपल रहेगा, किसका बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमेशा 10 के साथ। ठीक है, अब बस ये चीज़ आपको इतनी ही याद रखनी है। अब हम चलते हैं बाइनरी की तरफ, मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ बाइनरी। बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं? सिर्फ 2 होंगे, राइट? कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, है ना? हमारे पास बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? 0 और 1, और जितने भी नंबर होते हैं सब इसी के हेल्प से लिखे जाते हैं। यहाँ पे बेस क्या हो जाता है? 2। मैं दिखाती हूँ कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दे दो। अभी मान लो आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर 1001.10, ठीक है, मान लो ये आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ भी 1 है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे वहाँ पे 10⁻² डेसिमल के पहले 10⁻० 10⁻1 10⁻2, हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है ना, ये कब आएगा दोस्तों? ये कब आएगा? जब हमारा डेसिमल होगा। बाइनरी में बस सेम यही रहेगा, बस ये 10 की जगह क्या आ जाएगा पता है दोस्तों? 2, 10 की जगह 2 आ जाता है। तो जो कंप्यूटर है ना उसको इसी की भाषा समझती है, 2⁻³ 2⁻² 2⁻⁴ 2⁻० यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ये 2 के नंबर से इसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये डेसिमल का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन है पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2⁻¹ मतलब 2 की वैल्यू किसके पास है? यहाँ 2 प्लस 2⁻⁰ की जगह 0 है, 2⁻³ की जगह 0 है। यहाँ पे 2⁻⁴ की वैल्यू है, हाँ है, 2⁻⁴ की वैल्यू यहाँ पे कैसे है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ पे 2⁻⁴ आना चाहिए, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में फोर्थ प्लेस, वहाँ पे 1 है, मतलब 2⁻⁴ यानी कि 16 रहने वाला है। ठीक है, और 2⁻⁵ की वैल्यू है, हाँ 2⁻⁵ इज नथिंग बट हमारा 32, तो 32 भी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट ये वाले को भी सॉर्ट करना है। यहाँ पे 1 किसके जगह है? 2⁻⁰, 2⁻⁰ इज नथिंग बट हमारा 1, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1 प्लस होगा? सबसे मेन क्वेश्चन तो यहाँ आ जाता है, नहीं, ये यहाँ पे क्या प्लस होने वाला है दोस्तों? जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दी है, इट विल बी लाइक दिस, 2⁻⁴ डेसिमल यहाँ आएगा, तो यहाँ से शुरू करो 10011। अब यहाँ पे नंबर अगर मुझे बनाना है कि भाई कौन सा नंबर है ये एक्चुअली, तो सिंपल है, 1 × 2⁴ कितना होता है? 16 प्लस 1 जहाँ जाए वो वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2⁻³ कितना होता है? 8, और 1 का है यहाँ, 1 प्लस 1 × 2⁻⁰ कितना होता है वो मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करो, और ये 10.10 यानी कि मुझे ये वाला भी लेना होगा, 1 × 2⁻⁹। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अब आप कैल्सियम उठा लो या फिर नॉर्मल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर दो कि आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कॉम्प्लिकेट कुछ करना नहीं है। बाइनरी नंबर का हमेशा याद रखना बेस 2 होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हमारा
हेक्सा ऑक्टा की तरफ, फिर हेक्सा है, अभी जाते हैं हम लोग हमारा ऑक्टा की तरफ। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या होगा, ऑक्ट मतलब एट, तो जैसे यहाँ पे टू टू का बेस था वैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हो जाता है दोस्तों, एट एट का बेस होता है। अभी मान लो मैंने नंबर ले लिया 4231.84, इसको मुझे कन्वर्ट करना है या फिर इसको मुझे इसमें चाहिए, ऑक्टल में चाहिए, फिर डेसिमल में चाहिए, जो भी आप समझ लो, है ना। तो ये मेरा ऑक्टल में दिया हुआ है, उसको मुझे डेसिमल में करना है। अब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई, सिंपल है, जहाँ पे ब्रैकेट के बाद एट लिखा है समझ जाना ऑक्टल है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्टल नंबर है तब आप उसके साथ ही जॉली करूँ, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आपको ये ब्रैकेट के हेल्प से समझ में आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये ब्रैकेट किसके लिए होगा, डेसिमल के लिए, और फिर ये ब्रैकेट किसके लिए होगा, बाइनरी के लिए, है ना। तो अभी ये ऑक्टल को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल है, इसको कम पॉइंट के पहले जो भी रहता है बेस उसका रेस टू ज़ीरो, फिर पॉइंट के पहले रेस टू वन, रेस टू टू, रेस टू थ्री, रेस टू फोर, रेस टू माइनस वन, रेस टू माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉइंट है यहाँ, अभी इसके नीचे कौन, ये हमारा ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं हमारा कौन सा नंबर है, मैं आपके बुक का ही पैटर्न फॉलो करने को ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ है ना, 8 4 1 3 2 4, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब डैश डाल दो। अब आपको फाइनल नंबर कैसे मिलेगा, फाइनल नंबर सिंपल है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका फाइनल नंबर आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 4 × 8⁻³ प्लस 2 × 8⁻² प्लस 3 × 8⁻¹ करना होगा, फिर प्लस 1 × 8⁻⁦ प्लस 8 × 8⁻²⁻ प्लस 4 × 8⁻²⁻। ठीक है, तो जब आप ये सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे तब आपको मिल जाएगा आपका अपना डेसिमल नंबर। ठीक है, ये ऑक्टल को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, पहले हमने क्या किया था, बाइनरी को कन्वर्ट किया था डेसिमल में। अब आ जाते हैं हमारे हेक्सा की तरफ, यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें कौन कौन से डिजिट्स लग रहे हैं दोस्तों, 8 डिजिट लग रहे हैं जो कि 0 से शुरू होता है। तो हमेशा याद रखना, कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों, अगर आपके इसमें बोला जाए कि डिजिट्स कहाँ से शुरू होते हैं तो आप बोलोगे हमेशा 0 से शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ पे 0 इंक्लूड करना ही है। ठीक है, सो दिस इज डिजिट्स, एंड डिजिट्स हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, हम कहाँ किसकी तरफ बढ़ रहे थे, हेक्सा की तरफ, यस याद आ गया, तो चलो उसको अब लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये टोटल 16 डिजिट से बनता है। अब कौन कौन से उसमें डिजिट्स आते हैं देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे दीदी 10 11 12 13 भी लिखो ना 15 तक, नहीं लिख सकते, तुम इंसान हो, तुम्हें पता है कि ये 0 1 2 ये अलग अलग डिजिट है, 12 अलग होता है, 1 और 2 अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं समझता कि ये 1 और 2 अलग है और ये 1 2 12 अलग है, वो इसको एक ही साथ अज्यूम कर लेगा। इसकी वजह से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, उसमें हम लोग 10, 11, 12, 13 को दिखाने के लिए सी डी ई एफ इनका यूज़ करते हैं। तो हमारे इसमें ना डिजिट्स देख लो दोस्तों कितने सारे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि सारे अलग अलग हमें सेपरेटली रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमें ये सारे यूज़ करने पड़ेंगे। अब दोस्तों मान लो आपको एक नंबर दिया है B3B.4A, चलो ये कोई रैंडम नंबर दिया, अब ये कौन से फॉर्मेट में नंबर होगा दोस्तों, कभी भी याद रखना, जब अल्फ़ाबेट आ जाते हैं तो अल्फ़ाबेट हम लोगों ने कौन से सिस्टम में पढ़ा, एक ही सिस्टम में, दैट इज़ हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो हमारा हेक्साडेसिमल का पार्ट हो जाएगा। अब इसको नंबर है, अब इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दिस इज़ हेक्साडेसिमल, राइट, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कैसे हो जाएगा 16, इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल है, हेक्साडेसिमल में बेस क्या हो जाता है हमारा, हम लोग कौन से बेस से चलते हैं, 16, तो पॉइंट के पहले 16:0, 16:1, 16:2, 3, 4, ये हो जाएगा 16:-1, 16:-2, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बेस के नीचे रिस्पेक्टिव नंबर्स लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 है तो 16:-1 के नीचे 4, पॉइंट के बाद 8 ए है तो इसके नीचे ये ए,
इसके पहले फिर बी है, फिर थ्री है, फिर बी है. अब बी क्या है हमारा दोस्तों, हमारे लिए जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर 11, राइट. तो ये कैसे हो जाएगा, 11 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 रेस टू 1 प्लस बी मतलब अगेन 11 इंटू 16 रेस टू 0 प्लस 4 इंटू 16 रेस टू माइनस 1 प्लस ए क्या हमारा 10 इंटू 16 रेस टू माइनस 2. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे एंड देन इसको ऐड करके हमें मिल जाएगा हमारा डेसिमल नंबर का फॉर्मेट. ठीक है, तो ये जो भी था दोस्तों यहाँ तक था, हमारे सारे नंबर सिस्टम हमने कवर अप कर लिए हैं. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए. सो सॉरी दोस्तों क्योंकि ये लेक्चर लेट है, हम लोग सोच रहे सिर्फ ये लेक्चर को इतना शॉर्ट रखना कि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें ईजी हैं. बस नज़रिया कैसे रखना है, हमेशा एनालिटिकल, कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी मतलब लाइक फॉर्मेट रहे तो आपको उसको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसको इस तरह सॉल्व करना, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है. तो आपको ना क्वेश्चन में, अभी जैसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल लिखने का तरीका एक ये भी है, 16 ब्रैकेट लगा देते या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते कि दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, तो आपको उसको सॉल्व करना रहता है, राइट. तो वैसे फॉर्मेट में जाएंगे. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, एक ले लेते हैं. अब क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, पॉइंट के पहले वाले को हम बोलते हैं इंटीजर एंड पॉइंट के वाले बाद वाले को हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, है ना. तभी तो वो 2 raised to -1, 2 raised to -2 के फॉर्मेट में चला जाता है. अब यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है दोस्तों, सिंपल, बहुत सॉर्टेड तरीके से. देखो ये जो भी नंबर्स है ना, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे प्लेस वैल्यू में लिख देंगे. तो सबसे पहले हमारा जो प्लेस रहता है, अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी. तो यहाँ पे लिख दो ऐसे, बाइनरी नंबर सिस्टम. थोड़ा सा स्टेप कर लोगे ना, आपका बाकी का 5 मिनट बच जाएगा. तो यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं, फिर 2 raised to 0, फिर 2 raised to 1, फिर 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, और यहाँ पे 2 raised to -1, 2 raised to -2, 2 raised to -3, 2 raised to -4, 2 raised to -5. अब इतना क्यों लिखा है मैंने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डिजिट गिनो, 1 पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, मतलब 2 raised to 5 तक जाएगा. पॉइंट के बाद 5 है, मतलब 2 raised to 5 तक इधर जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है, ये सारे नंबर्स को उसके नीचे लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट. उसके बाद जैसे नंबर है पीछे से स्टार्ट कर दो पुटिंग करना, यहाँ भी उधर से स्टार्ट कर दो, 10 आई गेस. ठीक है, आप लोगों ने पुट कर दिया इतना इसको. अब क्या करना है इसको दोस्तों, सीधा बाइनरी नंबर, ये वाला बाइनरी नंबर हो गया आपका, ये बाइनरी नंबर एंड पोजिशनल वेट. ठीक है, देन ये हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 raised to 5 into 1 प्लस 0 वाला तो कंसिडर ही नहीं होगा, 2 raised to 3 into 1 प्लस 2 raised to 2 into 1 प्लस 2 raised to 0 into 1. जहां जहां 1 है वो वाले सारे वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ हो जाएगा 2 raised to -1 मतलब इंटू 1 प्लस 1 into 2 raised to -3 प्लस 1 into 2 raised to -5. ठीक है, अब यहाँ पे सारे नंबर्स लिख दिए. अब आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है. 2 raised to 5 इज़ नथिंग बट 32, उसमें फिर ये ऐड हो जाएगा 16, फिर ये ऐड हो जाएगा 4, है ना, 16 नहीं हो जाएगा, दिस इज 8, फिर कौन ऐड हो रहा है, एक ये हो जाएगा हमारा 1, फिर कौन ऐड हो रहा है दोस्तों एक बार चेक कर लो फटाफट, और कौन सी वैल्यूज रह गई हमारी, 4, 1, देन हमारा आ जाएगा ये माइनस वाला पार्ट, दैट इज़ -2. -2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 upon 2, राइट. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, पहले ये इंटीजर वाला एक साथ ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 45. अब ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32. जब आप ये सबको ऐड करोगे आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा कैल्सियम में, 65625. ठीक है, ये सारे वैल्यूज को ऐड कर कितना आ जाएगा आपको, देन आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है. सो 45 प्लस 0.65625, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके, सो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा इस तरह सॉल्व करने पर. तो कोई भी कन्वर्जन रहने दो, आपको ये फॉलो करना है बाइनरी नंबर, यहाँ पे तो बाइनरी दिया हुआ है, कभी कभी क्या दिया रहेगा,
हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल रहेगा तो सिंपल हेक्साडेसिमल एंड पोजिशनल वेट, ये दोनों लिखने का। एक्चुअली ये दोनों ऊपर ऐसे आएगा, पोजिशनल वेट एंड बाइनरी नंबर, बट ठीक है मैंने कंबाइन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये दोनों लिखने के बाद नीचे प्रोडक्ट ले लेना है, देन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके ना एक दो न्यूमेरिकल तो इस पर सॉल्व कर ही लो, आप भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर हम लोग लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो डेसिमल को ऑक्टल में बदलना है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो जब कोई भी बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। अगर इनका उल्टा करना है, इनका उल्टा करना है, तो आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, डिवाइड। तो ये लॉजिक में चलते हैं अपन। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट माने पॉइंट का लेफ्ट साइड, एंड फ्रैक्शन पार्ट माने पॉइंट का राइट साइड, है ना। जो 0.23 होता है वो सबको पॉइंट में मिलता है ना, हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट में। सो यहाँ पे आके यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले डिवाइड इंटीजर पार्ट बाय, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में ना, ऑक्टल यानी कि 8। ठीक है, अगर बाइनरी रहता तो 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 175 डिवाइडेड बाय 8। आप लोग इसको डिवाइड कर दो, फिर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है, दैट इज़ रिमाइंडर। क्या लिखोगे दोस्तों आप, रिमाइंडर। हम लोग सक्सेसिव डिविजन कैसे करते हैं, याद है आप सबको, 8 को 175 से डिवाइड करते हैं, 8 टू ज़ा 16, 8 कितना रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कुछ 7। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 7 रिमाइंडर आ गया है ना, अब हमें यूज़ करना है ये कोशंट। क्या यूज़ करना है दोस्तों, ये कोशंट यूज़ करना है, 21 डिवाइडेड बाई 8, 8 टू ज़ा 16, तो ये कितना आ गया रिमाइंडर दोस्तों, हमारा 5 आ गया, है ना। अब हमारा कोशंट क्या है, 2, 2 को डिवाइड बाई 8 करना है, तो ये समवॉट कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, डिवाइड करके 0 ही आएगा, है ना, कुछ तो बचने नहीं वाला, तो यहाँ पे कोशंट 0। तो जब आप टेबल बनाओगे, आप इधर 180, 175 का रिमाइंडर लिखोगे, एंड इस साइड कोशंट लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, कोशंट। तो इसको डिवाइड किया तो कोशंट कितना आ गया, 21, रिमाइंडर कितना आ गया आपको इसको ये वाला प्रोसेस करने पे, 7। अब क्या करना है, 21 को 8 से डिवाइड करना है, हमेशा याद रखना कोशंट को 8 से डिवाइड करना है, एंड रिमाइंडर साइड में लिख के रखना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 5, और यहाँ पे कोशंट 2। अब सॉरी, ये 2 को 8 से डिवाइड करना है, तो कोशंट कितना आ गया, 0, एंड रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिल गया एक बार देखो, 5, 2, 5, 7। ठीक है, अब इतना मिलने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका इंटीजर, ये जो इंटीजर है ना उसका डेसिमल, उसका डेसिमल सॉरी ऑक्टल फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करने के बाद लिख सकती हूँ एंड में, 175 जो डेसिमल में है ऑक्टल में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहली बात ये हो जाएगा 257 ऑक्टल। अब आप बोलोगे दीदी ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा याद रखना जो लास्ट रिमाइंडर मिलता है वो पहले लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट बिट, जो फर्स्ट रिमाइंडर मिलता है इसको लास्ट में लिखेंगे, दिस इज लेस सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, सो ये सारी प्रोसेस हमें इस तरह करनी है, एंड आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया हो, दिस इज 257 इंटीजर पार्ट डिवाइड हो गया। अब बचा कौन सा, मेरा फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या है दोस्तों, 0.23। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल 0.23 ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 8 से। क्यों 8 से मल्टीप्लाई करना है, देखो जो पॉइंट के पहले था वो डिविजन में जाएगा, एंड जो पॉइंट के बाद है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इतना दिमाग में बिठा लो। कभी कभी आपको ऐसा नंबर आ जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसमें डिविजन करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि इंटीजर पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आता है दोस्तों, एक बार चेक कर लें, आज मेरे पास कैलसी है नहीं तो हम फ़ोन से चेक कर लेंगे।
0.23 मल्टीप्लाइड बाई 8, सो दिस इज 1.84. कितना आ गया दोस्तों? 1.84. अब आपको ना इसमें से 1 हटा देना है, ये जो 1 है ना उसको हटाना, फिर से जो पॉइंट बचेगा ना उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है. 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6.72. अब क्या हटा दोगे? 6.72 बचा. 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 8, अब क्या आ गया दोस्तों? 5.76. फिर से डेसिमल को हटाओ क्योंकि हमें डेसिमल मल्टीप्लाई करना है ना. 5 इधर बचा. 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6.80. 6 यहाँ पे बच गया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको अब क्या करना है? 0.8 लेना है. 0.8 इंटू 8 कितना आ जाएगा दोस्तों? फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए. 64 है, 0.8 इंटू 8, तो ये आ गया 0.64. तो जब आपको फाइनली ऐसा आंसर मिलता है जहाँ पे जो इंटीजर वाला पार्ट है वो ज़ीरो है, जहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट क्या है दोस्तों? ज़ीरो है, तब आपको वहाँ पे रुक जाना है. यहाँ पे जब आपका इंटीजर आप यहाँ निकालोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट हमने निकाल दिया. कितना निकाल दिया दोस्तों? वो हमारा ज़ीरो निकाल के रखा है. अब यहाँ पे 0.632 इसको मिटा देते हैं. एंड हमारा क्वेश्चन क्या था? 0.238 इसका 8 नहीं 10 इसका ऑक्टल नंबर. अब यहाँ पे ऑक्टल नंबर कैसे लिखेंगे पता है? यहाँ से 1656 यहाँ का इंटीजर उठा लेंगे. ठीक है, अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड लगा ही होगा, तो इसको इजी बनाने का तरीका है हमारे स्टेप्स. तो स्टेप्स हम लोग हमेशा जैसे लिखते आए हैं, चाहे मैकेनिक्स हो BEE हो, हमने हमेशा स्टेप्स लिखा हुआ है. तो स्टेप वन कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है एकदम अच्छे से स्टेटमेंट बना के क्या लिखेंगे हम लोग? इंटीजर डिवाइड बाय 8, है ना. स्टेप टू क्या है? फिर इंटीजर को डिवाइड कर देंगे 8 से, इंटीजर पार्ट. ठीक है, स्टेप टू क्या है? क्वेश्चन डिवाइड बाय 8. फिर हमें स्टेप थ्री बनाना है. जो ऑक्टल नंबर बनेगा दोस्तों वो किससे बनेगा? हमारे रिमाइंडर से बनेगा. तो ऑक्टल नंबर बनता है रिमाइंडर से, ऐसे लिख देना है. एंड रिमाइंडर से कैसे बनेगा? वो हमेशा टॉप बॉटम टू टॉप. देन ये स्टेप थ्री और स्टेप फोर क्या है? फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 8 और सेपरेट क्या कर लेना है? वो स्टेप फाइव, सेपरेट इंटीजर एंड फ्रैक्शन, है ना. इंटीजर और फ्रैक्शन को हमने यहाँ पे सेपरेट किया. 1.84 था तो 1 अलग कर दिया, 84 को लिया. एंड मल्टीप्लाई बाय 8 अगेन. स्टेप सिक्स कहाँ रुकना है? व्हेन इंट पार्ट बिकम्स ज़ीरो वहाँ रुक जाना है. एंड बाकी फिर कैसे लिखना है? हमारा ऑक्टल नंबर कैसे बनेगा? ऑक्टल नंबर बन जाएगा हमारा टॉप टू बॉटम, है ना. और ये क्या रहेगा? हमारा इंटीजर का पार्ट जो हमने सेपरेट किया है. ठीक है, तो ये स्टेप्स है. इसको एकदम सिंपल तरीके में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. तो BXC में कोई भी न्यूमेरिकल हो, पहली चीज़ आप क्या करोगे? स्टेप्स, तुरंत स्टेप्स लिख दो. मेरा सजेशन होगा, अभी जैसे मान लो ये शीट है, इसके ना छोटे छोटे टुकड़ों में से स्टेप्स बना के रख दो, ताकि एग्ज़ाम के जो 5 मिनट पहले रिविजन होता है वो फटाफट आप देख लो. एंड इट इज डन. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, कैसे नंबर सिस्टम वर्क करता है. आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. अब चलते हैं हमारे लॉजिक गेट्स की तरफ. तो यहाँ पे ये बस एक माइनर करेक्शन कर लो, 0.6. और फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा दोस्तों? स्टेप्स लिखने के बाद हमारा फाइनल आंसर 175.23. इसको कन्वर्ट किया, 175 का क्या मिला? 257. ठीक है, एंड पॉइंट के बाद क्या मिला? 16568. सो दिस इज़ डन, हमारा कन्वर्जन हो चुका है. बाइनरी में रहेगा तो बस जहाँ जहाँ 8 है वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों गेट्स के लिए. तो गेट्स का जो कंसेप्ट है बहुत ईजी है. गेट्स होता क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं. लाइक कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट रहने दो. अभी मुझे ना एक चीज़ में से बहुत सारे आउटपुट आ रही है, मान लो मैंने बहुत सारी आउटपुट एक चीज़ में इनपुट दे दी है, बहुत सारी इनपुट सप्लाई कर दी है, एंड उसका एक आउटपुट निकल के आ रहा है. क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? आउटपुट निकल के आ रहा है.
अब वो आउटपुट को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जैसे कि मैंने फ़ैन का बटन ऑन किया लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि फ़ैन ऑन ही नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसे सर्किट जैसे हमने ज़िद कर रखी है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सर्किट बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ऐसे गेट्स प्रेजेंट है दोस्तों। अब ये जो गेट्स होते हैं वो है कुछ 7 टाइप्स के, एंड नॉर नॉट, फिर उसके और कॉम्बिनेशन वाले गेट हैं जिनका यूज़ करके हम उनको बोल देते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ पे आप एक गेट देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बना रखा है, दैट इज़ नॉट गेट। नॉट गेट का कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, देखो सिंपल है। ए माने इनपुट हमारा, ए से मैं बोल रही हूँ कि चलो ए नाम का मैंने इनपुट दे दिया है, तो ये इनपुट ये गेट के थ्रू जाएगा। आगे पूरा सर्किट कनेक्टेड रहने दो, आगे पूरा सर्किट कनेक्टेड रहने दो, बट ये गेट क्या करेगा पता है, उसका उल्टा इफेक्ट देगा। अगर मान लो ए माने मैंने जो इनपुट दिया है वो दिया है मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या दिया दोस्तों इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है। बहुत सारे इनपुट होते हैं, ये नहीं कि एक ही इनपुट हो, बहुत सारे इनपुट होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कितने भी इनपुट दे सकते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसे इनपुट्स रहेंगे और जब इनपुट सप्लाई हो रहा है तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, अभी मान लो ए मतलब ऑन है तो ये ऑफ रिजल्ट देगा, बी मतलब ऑन है मतलब ऑफ रिजल्ट, सी ऑफ है मान लो तो सी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये हमेशा अपोजिट रोल प्ले करेगा नॉट। तो उसका ट्रूथ टेबल, अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट यूज टू रिकॉर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा। अभी जैसे मान लो मैं इनपुट ए का कंसिडर कर रही हूँ, वन यानी कि ऑन है, ठीक है, वन यानी कि ऑन है ऐसा मैं मान रही हूँ, जीरो यानी कि ऑफ है। तो अगर मैं ए इनपुट दे रही हूँ तो आउटपुट वाई आ जाएगा, एंड वाई आने के बाद कैसे हो जाएगा देखो, ए मतलब वन ऑन है, ठीक है, आउटपुट वाई मतलब जीरो मतलब ऑफ होना चाहिए, जीरो है तो वन होना चाहिए। तो इसका ना थोड़ा एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो ए में अगर मैंने सबसे पहले वन इनपुट दिया, वन मतलब मैक्सिमम पीक है, हाँ पीक कैसा है दोस्तों, पीक कैसा जा रहा है उसका, मैक्सिमम जा रहा है, ये ऐसे ग्राफ है मतलब ये ग्राफ का हॉरिजेंटल एक्सिस है, ठीक है। तो ये वन माने पूरा पीक इंटर पीक जाएगा, एकदम एकदम ऐसे टॉप लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ज़ीरो, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इनपुट मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, आउटपुट मेरा बहुत कम आएगा। अब यहाँ पे मैं अगर ज़ीरो इनपुट दे दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ये उल्टा, ये आउटपुट ऐसे वन आ जाएगा, ऐसे एकदम टॉप लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फिर से ज़ीरो दिया तो ये फिर से वन जाएगा, मैंने फिर से वन दे दिया तो मैंने यहाँ पे फिर से वन दे दिया तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, मैंने यहाँ पे फिर से वन दे दिया फिर से आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, मैंने फिर से वन दे दिया मतलब मैंने फिर से ज़ीरो आउटपुट इनपुट दे दिया तो आउटपुट वन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया हो कि ये चलती कैसी है अपनी गाड़ी। तो ये इस प्रकार रहता है, तो इस प्रकार आपको वो ऐसे वेव्स देखने मिलते हैं, ऐसे ऐसे वेव्स होते हैं ना एंड ऑल, तो ये वेव्स ऐसे जनरेट होते हैं कि मैंने अगर इतना इनपुट दिया है तो आउटपुट कैसे आ रहा है, इतना आउटपुट दिया है तो इनपुट कैसे जा रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे नॉट गेट की कहानी। अब इसके बाद और एक गेट है, दैट इज़ नैंड गेट। तो इसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या है दोस्तों, ताकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट रहे, है ना। तो हमने लिख दिया, वर्किंग लिख दिया वगैरह। इसकी रेस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही इनपुट दे सकते हो आप, दो इनपुट नहीं रहेगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो जनरलाइज दिया था, सो प्लीज़ ये बात याद रखना, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा, जो बाकी गेट्स में नहीं रहता, अपोजिट दिखा सकते हैं हम लोग। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो, क्या क्या आपको रहना चाहिए, क्या क्या नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल द थिंग। यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन रहेगा विच रिप्रेजेंट्स द गेट, एंड यहाँ पे ये जो यहाँ पे नॉट बनी हुई है गोल गोल, इसका मतलब उल्टा, जो भी आप करोगे उसका वो उल्टा ही करेगा, बड़ा जिद्दी है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट गेट, है ना। तो उसका भी हम लोग सेम डेटा लिख लेंगे, एंड वगैरह गेट कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दोस्तों एंड गेट, नॉट नैंड, नैंड भी है बट पहले हम स्टेप वाइज जाएंगे। सो एंड गेट में क्या देख सकते हो आप, उसका रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगल नहीं होता, एक डी के शेप में फॉर्म है। किसमें है दोस्तों, एक डी है, थोड़ा एक्सटेंडेड है ना, दिस इज़ लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आउटपुट दे रखे हैं मैंने, एक आउटपुट है क्योंकि हमेशा एक रहता है मोस्टली, एंड देन यहाँ पे इनपुट कितने हैं, दो। अब जब इनपुट दो है तो क्या कंडीशन आ जाती है, कैसे चलता है मेरा सर्किट, देखो यहाँ पे एंड गेट को फंक्शन करने के लिए मिनिमम दो इनपुट तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना ये नॉर्मल कंडक्शन करेगा। अगर ऑन है तो ऑन रखेगा सर, एक इनपुट की बात कर रही हूँ, ऑन है तो ऑन रखेगा सर्किट को, ऑफ है तो ऑफ रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आउटपुट इंक्रीज होता है, आउटपुट इंक्रीज होगा कब, जब इनपुट इंक्रीज होगा, और यहाँ पे आप दो से ज़्यादा इनपुट
दे सकते हो। अब इसका ट्रूथ टेबल बना ले। ट्रूथ टेबल में क्या करना होगा, सिंपल है, कंपैरिजन है। अगर इनपुट में इतना दे तो आउटपुट कितना होगा, इनपुट दो है, दो रहने के वजह से यहाँ पे कितने टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना, अगर पहले दोनों बंद है, ठीक है, एक बंद है एक चालू है, एक चालू है एक बंद है, दोनों चालू है, अब ये तो याद रखना कट ऑफ हो जाता है। तो इसको देखो कैसे याद रखो, सबसे पहले याद रखो 0101 का लाइन जाता है हमारा एकदम लास्ट में, ठीक है। एक लाइन होनी चाहिए हमेशा 01 के कॉम्बिनेशन में, एक लाइन होनी चाहिए हमेशा 0011 के कॉम्बिनेशन में। अगर मेरे पास यहीं दो की जगह तीन आउटपुट होता, तीन यानी कि तीसरा मान लो यहाँ पे सी भी आ जाता, तो सी कैसे देती मैं पता है, यहाँ पे पहले तो सब 00 फिर 111, यहाँ पे 2021 फिर यहाँ पे 0101, ठीक है। इससे करने से ना मेरे पास सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो मैं आउटपुट में इनपुट में सप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे आप सब देख सकते हो तीन था, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मेट किया, एक लाइन में 0101 डालो, फिर एक में 0011 डालो, फिर जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका ट्रूथ टेबल का देखो स्टैंजा भी बढ़ेगा, ठीक है। मोस्टली तो तीन ही का पूछेंगे एग्जाम में, तो आप तीन ही का प्रिपरेशन करके रहो। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंसिडर किया डायग्राम के हिसाब से, तो मैं दो के हिसाब से फिलहाल चल रही हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एंड मतलब ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा तो ही मैं ऑन रहूँगा, वरना नहीं रहने वाला। ऑफ ऑफ भाई मैं तो ऑफ ही रहूँगा, एंड बोलेगा ऑन ऑफ मैं तो ऑफ ही रहूँगा, ऑन ऑफ ऑफ ही रहूँगा, ऑन ऑन हाँ अब मैं ऑन हो जाऊँगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऑन हो गया, तभी तो इसको बोला गया है एंड। एंड कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये भी करना रहता है और ये भी करना रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह कंडीशन आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो कि हम लोगों ने इसको क्यों ऐसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे अगर आप वेव बनाओगे तो सिंपल आ जाएगा, अगर दोनों ऑफ ऑफ है, ए बी ए बी और आउटपुट की बात करते हैं 0000, तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा दोस्तों, ये भी 00 रहेगा, है ना। अगर यहाँ पे मान लो 10 हो गया, यानी कि एक 1 है और एक 0 ही चल रहा है फिलहाल, फिर भी ये 0 ही चलेगा। अब मान लो दोनों 11 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कब जनरेट होगा दोस्तों, इनपुट पे डिपेंड करेगा। इनपुट दोनों एक्टिव रहेगा तो मेरा आउटपुट एक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहने वाला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंड गेट। अब चलते हम लोग हमारे और गेट की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीन के सामने आपके सामने है और गेट। और गेट में आप देख सकते हो जो भी दो इनपुट सप्लाई हो रहा है उसका आउटपुट कैसे आएगा, ऐड करके, सिंपल। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रखा है, क्या है वो स्टेटमेंट दोस्तों, अगर मेरा आउटपुट ज़्यादा रहेगा अगर एक इनपुट भी उसमें ज़्यादा है, अगर एक इनपुट भी चालू है तो मेरा आउटपुट चालू रहेगा, दिस इज़ वॉट माई और गेट डज। और यहाँ पे बोला गया हम लोग दो से ज़्यादा इनपुट सप्लाई कर सकते हैं। तो चलो ये दो जो ए और बी नाम का इनपुट है, जो ए और बी नाम का दो इनपुट है उसका आउटपुट हम बना देते हैं ए प्लस बी। अगर मैंने बताया ना 0011 1010, ये कॉम्बिनेशन रखो या 0101 रखो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोनों बंद है तो 0+0+0 प्लस करना है ना, 0+1 1 1+1 1 1+1 1। अब इसको 2 मत लिख देना, 1+1 मतलब दोनों ऑन है तो मैं भी ऑन रहूँगा, एक ऑन है तो भी ऑन रहूँगा, दोनों ऑफ है तो नहीं रहूँगा, ये अपना और गेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन मेन गेट जिसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसको इस तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट गेट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट, दैट इज़ नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि चाहे कोई भी आप ये करो, इनपुट डालो, कोई भी लॉजिक फंक्शन डालो तो वो एग्जीक्यूट करके आपको प्रॉपर आंसर वही देता है, लाइक सारे लॉजिक फंक्शंस एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एक एक करके से देख लेते हैं। नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ये जो नैंड गेट का ये डी वाला कर्व है, दिस इज मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद ना यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल यानी कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसका वो उल्टा कर देगा, ठीक है, ये वाला सर्कल। अभी जो एंड गेट था, एंड गेट में यहाँ सर्कल था क्या दोस्तों, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डी शेप का कर्व था।
अब आप बोलोगे ये कौन सा लैंग्वेज है डी शेप का कब, बिकॉज दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपका एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी मच वेल, मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नाइन गेट के आगे आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाना है, फिर आपको आउटपुट का कनेक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने दो आउटपुट दो इनपुट दे रखे, तो दो इनपुट रहेगा, और एक आउटपुट रहेगा। तो ये कैसे फंक्शन करेगा, ए और बी हमने सीखा है ना, हम लोग सबसे पहले 1010 या 0101 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते। फिर ए के लिए क्या यूज़ करेंगे, 0011, या फिर उल्टा कर सकते हो आप 1100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका आउटपुट जो रहेगा y इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी रहेगा, बट ये नैंड केस में, नैंड के केस में इसका आपको उल्टा लेना होगा। अब यहाँ पे देखो a इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 होता है, बट उसका उल्टा हुआ 0 आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो a डॉट b है दैट इज़ 1 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज़ 1 का उल्टा लेना है यहाँ पे, दैट इज़ 0। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 इज़ 0, बट यहाँ पे हमें 1 लेना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये इसी तरह प्रोसीड कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो स्टेटमेंट है, जब मेरा इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो रहेगा, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, देखो दोनों इनपुट 1 1 मतलब दोनों एक्टिवेटेड है, लेकिन मेरा आउटपुट आ रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने नाइन गेट यूज़ किया है। तो नाइन गेट का यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकेस अगर मान लो 3 यानी कि 3 इनपुट मैंने दिए रहते, तो ये किस तरह प्रोसीड होता, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे बस और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती, आउटपुट ए इंटू बी इंटू सी, और ये पूरा ऑपोजिट काम करता। तो यहाँ पे मैं कंसिडर ए 1010 1010 की लाइन आ गई, जब 3 रहता है दोस्तों, मतलब मैंने 3 आउटपुट दिया है, और कितने डिजिट है मेरे पास, 2 डिजिट है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो हमें कितने आउटपुट्स मिल सकते हैं दोस्तों, 8 तरह के आउटपुट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर सेम ऐसे 2 से 4 होता तो मुझे कितने आउटपुट मिल जाते, 16, तो आपको 16 बनाने पड़ते। यहाँ पे ये 1100, फिर यहाँ पे 1111 और 40, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते से एक लाइन में, अब स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 0, क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, बट हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर बार लगाया मैंने, बार यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 0 0, तो ये 1, बाकी सब 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ अपना कंसेप्ट जाता है, ये नाइन गेट की कहानी हो गई। तो एक चीज़ याद रखना, नाइन गेट एंड गेट का उल्टा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट तो लेंगे बट आंसर क्या रहेगा उसका, दूसरा ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री आंसर रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया 3 आउटपुट के लिए, एंड दिस इज़ फॉर नाइन गेट। आई होप आपको नाइन गेट भी क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नॉर गेट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर गेट आप देख सकते हो कैस किस तरह दिख रहा है, और गेट की तरह है, बट नॉर की वजह से यहाँ पे एक आपको छोटा सा बबल दिख रहा है ना, वो बबल क्या करेगा, जो भी और का आउटपुट क्या है वो तो आपने अभी देख लिया, और के सारे आउटपुट को वो उल्टा कर देगा, ठीक है। ये सारे ना यूनिवर्सल गेट है। अब चलो इसका भी इनपुट और आउटपुट टेबल बना लेते हैं। इनपुट कौन कौन दे रहा है दोस्तों, ए और बी। आउटपुट कौन दे रहा है, हमारा ए प्लस बी रहेगा, और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बबल क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, बट वो उल्टा कर देगा उसका वैल्यू। तो 2 है, तो 1100 1010, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा आवाज़ लो लग रहा होगा, बट ठीक है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 1, 2 मत लेना प्लीज़। 1 प्लस 1 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1, बट यहाँ पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट इज़ 0। 1 प्लस 0 इज़ 1, बट वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 0 0, एंड यहाँ पे 1। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा इनपुट हाई है मुझे आउटपुट लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ, है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो ज़रा चेक कर लो अपने साथ, मिल रहा है। यहाँ देखो, जब मैंने ज़्यादा इनपुट दिया तो आउटपुट 0 आया, ठीक है। और यहाँ पे तो अपना और नॉर गेट तो काउंट ही नहीं होगा,
ठीक है. सो यहाँ पे ये हो गए नॉर गेट की कहानी. वैसे आप थ्री का भी कर सकते हो, थ्री का प्लीज़ प्रैक्टिस करो सारे गेट्स. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट गेट, दैट इज एक्स और गेट. एक्स और गेट का रिप्रेजेंटेशन देख लो दोस्तों, बहुत ईजी है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्स और गेट है उसमें मैंने कितने इनपुट दे रखे, दो इनपुट दे रखे ए और बी. आउटपुट यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस सर्कल में मैंने b लिखा. इसका आपको रीज़न बताती हूँ. देखो आउटपुट कब हाई रहेगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है. देखो आउटपुट तभी ज़्यादा रहेगा जब दोनों में से एक इनपुट ज़्यादा रहे. आउटपुट तभी ज़्यादा रहेगा जब दोनों में से एक इनपुट ज़्यादा रहे. अगर एक भी कम हो जाएगा ना तो एक दोनों भी ज़्यादा रहेगा या दोनों भी कम रहेगा ना तो भी मेरा आउटपुट ज़ीरो रहेगा. बट उन दोनों में से अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो चल जाएगा. आई होप आपको नहीं समझा. टेबल से पढ़ते हैं. सिंपल इनपुट आउटपुट. इनपुट कौन है ए और बी. आउटपुट कौन है दोस्तों ए प्लस सर्कल में बी. अगर इनपुट पहले फॉर्मेट लिख देते हैं. दोनों इनपुट कम है तो इनपुट आउटपुट भी कम ही रहेगा. दोनों इनपुट ज़्यादा है तो भी मेरा आउटपुट कम ही रहेगा. अब मेरा जो एक्स और का गेट है ना वो क्या बोलता है, दोनों इनपुट कम है तो मेरा आउटपुट भी कम रहेगा. दोनों ज़्यादा है तो भी मेरा आउटपुट ज़्यादा कम रहेगा, नॉट ज़्यादा. बट अगर दोनों में से एक भी ज़्यादा है तो मेरा आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा. ठीक है. सो ये हो जाता है. तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी. ठीक है. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम लोग. एक्स और को एक ही याद रखेंगे. ये एक एक्सेप्शनल केस है और की तरह, जहाँ पर दोनों कम है तो भी आउटपुट कम है, दोनों ज़्यादा तो भी आउटपुट कम है. ठीक है. नाउ एक्स और हो गया. अब हम जाते हैं हमारा एक्स नॉर की तरफ. अब एक्स नॉर इसका उल्टा है जस्ट दोस्तों. देखो ये एक्स और गेट है. अब मैं एक्स नॉर की बात करती हूँ. एक्स नॉर में क्या हो जाता है जानते हो दोस्तों, ये जो प्लस है ये साइन रिप्लेस हो जाएगा बाय प्रोडक्ट. यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा. इसमें क्या रहता है, आउटपुट इज हाई इफ इनपुट इज लो. आउटपुट हाई रहेगा जब मेरा इनपुट कम रहेगा. ठीक है. आउटपुट इज हाई इफ इनपुट इज लो. और यहाँ पे दो से ज्यादा इनपुट आप दे सकते हो. तो यहाँ पे अगर मेरे दोनों इनपुट कम है तो ही मेरा आउटपुट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. लेकिन इसका और एक कंडीशन बन जाता है दोस्तों. क्या कंडीशन बनता है पता है, आउटपुट इज हाई इफ ऑल इनपुट इज लो या फिर ऑल इनपुट इज हाई. इसका क्या कंडीशन है दोस्तों, मेरा आउटपुट तब ज्यादा रहेगा या तो सारा का सारा लो हो. यानी कि अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो ये सारा का सारा अगर लो है तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा. यानी कि ये वन हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो. और जब दोनों के दोनों हाई है तो भी मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई हो जाएगा. सो दिस इज़ माई एक्स नॉर का गेट. तो एक्स नॉर का गेट आई होप आपको समझ गया होगा. बहुत सिंपल है, बस यही सारी लॉजिक्स आपको याद रखनी है. ठीक है. और फिर इसका ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसको भी एक कवर अप कर लेते आज के टॉपिक में. ए डॉट बी एक्चुअली ऐसा रहता है, राइट. अब हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हमें किस तरह देना होगा दोस्तों, सिंपल है. सी इट विल बी लाइक ए बी प्लस ए बार बी बार. ए बी मतलब मल्टीप्लाई, ए बार का मतलब सिंपल है दोस्तों. ये आपका ए है तो ए बार क्या हो जाएगा पता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑपोजिट हो जाएगा. यानी कि जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ वन वन, जहाँ वन है वहाँ जीरो, जहाँ वन है वहाँ जीरो. ये बार का मतलब हमेशा उल्टा समझो. अब ये जो आंसर मिला है इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि ये ए प्लस बी का बार है यानी कि ऑपोजिट है. बोल सकती हूँ, ऑब्वियसली बोल सकती हूँ क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन ही उस प्रकार जा रहा है ना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट गेट्स दोस्तों. आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है. गेट क्या होते हैं, ये सर्किट के पार्ट होते हैं जहाँ पे हम एक इनपुट या फिर दो इनपुट देकर बहुत सारे आउटपुट्स निकाल सकते हैं. ठीक है. तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने टेबल लिखा है ना, ये आपके लिए बस शॉर्ट के लिए, बस आपको कैसे आप थ्योरी क्वेश्चन है तो उसको डील कर सको. सी लॉजिक वन, मतलब जो मैंने ये ट्रुथ टेबल में 1010 लिख के रखा है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है. जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है मतलब वहाँ पे 5 वोल्ट्स का सप्लाई है, हाई कंसिडर किया जाता है उसको.
दैट इज वैल्यू ट्रू है उसकी वैल्यू, वो ऑन है या फिर पॉजिटिव वोल्टेज में जा रहा है और वो ओपन है. तो ये लॉजिक वन का इतना मीनिंग होता है. ठीक है, लॉजिक टू का कितना मीनिंग, लॉजिक जीरो का कितना मीनिंग है दोस्तों, जीरो वोल्ट. सेकेंड जो लॉजिक है अपना लॉजिक नंबर टू, दैट इज जीरो, जीरो वोल्ट. उसको लो बोला जाता है, फॉल्स बोला जाता है, ऑफ बोला जाता है, जीरो वोल्ट बोला जाता है, क्लोज बोला जाता है. ठीक है, सो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है. देन आ जाती है आपकी गेट और आईसी नंबर वाली चीज़. अभी गेट कौन कौन से दोस्तों, एंड, नैंड, और, नॉर, एक्स नॉर, नॉट, एक्स नॉट. एंड इसके आईसी नंबर कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3 आप देख सकते हो. इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया. और इसमें से यूनिवर्सल गेट कौन कौन से दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्सल है और नॉर हमारा यूनिवर्सल है. कैसे पता है, अगर मैं ये नैंड और नॉर के अरेंजमेंट्स कर दूँ अलग अलग तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं. आप लोग ने न्यूमेरिकल तो देखा ही होगा, है ना. तो मैं एक अरेंजमेंट करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. सी, अगर मैं यहाँ पे दो नॉर गेट ले लूँ, ये ए सप्लाई है, ये बी सप्लाई है, यहाँ पे इसने काम उल्टा कर दिया. अब इसका आउटपुट, अभी ए मतलब उल्टा काम करेगा, बी मतलब ये भी उल्टा काम करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्वर्जन लगा के रखा है. कौन सा गेट ले रही हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, नॉर गेट, क्योंकि ये नॉर का डिज़ाइन है ना, फंक्शनल इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब मैं ये दोनों कनेक्ट कर देती हूँ मेरे दूसरे नॉर गेट पे. अब ये नॉर गेट की खासियत अगेन, इसका ये इन, तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा मुझे a बार b बार का उल्टा, यानी कि a प्लस बी, है ना. तो ये किसका हो गया दोस्तों, एंड का, है ना, ये एंड का फंक्शन हो गया. तो जब मैं नॉर गेट या नैंड गेट, नॉर या नैंड को ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में अरेंज कर करूँगी तो मुझे ये एंड का भी रोल दे देगा और का भी रोल दे देगा, एंड बाकी सारी चीज़ें जो कि है उसका लॉजिक हम डाल सकते हैं उसमें, एंड वो कंप्लीट करेक्ट वाला पार्ट इधर असेंबल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. ये हमारा गेट है. इसके बाद ज़्यादा डी मॉर्गन्स थ्योरम की तरफ. अभी ये डी मॉर्गन्स थ्योरम भी एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स का. तो वो होता क्या उसको जान लेते एक बार. तो ये इस तरह कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं दोस्तों. तो आपको एक याद रखना, एक छोटा सा मिस्टेक इसको है यहाँ पे, इक्वल टू ए डॉट बी. क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, ए डॉट बी आ जाएगा. ये बार नहीं रहेगा यहाँ पे. हाँ, तो हमेशा याद रखना, अगर बार प्लस साइन के ऊपर है तो वो डॉट दे देगा, और बार डॉट के ऊपर है तो वो प्लस साइन दे देगा. ठीक है, तो इस तरह आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दोस्तों. इजीली समझ में आ जाएगा एंड कोई टेंशन नहीं होगा. एंड लेट्स प्रोसीड टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ आपके स्क्रीन के सामने ये रहा. इसके दो लॉज हैं, दैट इज थ्योरम वन. इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि जो भी हमने इनपुट दे रखा है उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बराबर दोस्तों, हमारा ए बी सी एंड सो ऑन, is equal to the sum of the complement of variable. And theorem number 2 states that the complement of sum of variable is equal to the product of complement of variable. ठीक है, तो ये इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल एंड इक्वल रहता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सिंपल है. अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैंने मान लो तीन इनपुट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो उसका वो किसको इक्वल रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के सम को. एंड यहाँ पे इसका ये उल्टा हो जाएगा, बार है तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी बार बार बार. ठीक है, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जहाँ पर भी लाइन है कॉम्प्लीमेंट वो मेंटेन्ड है, बट फर्क कहाँ आ रहा है, साइन में. देखो यहाँ पे लाइन टूट गया एंड साइन चेंज हो गया, तो क्या मैं इसको एक ऐसा स्टेटमेंट में बोल सकती हूँ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, है ना. ब्रेक द कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन और क्या कर दो, साइन को चेंज कर दो. तो मैं इसको ऐसे शब्दों में डाल सकती हूँ. तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी है, ए इंटू बी इंटू सी हो गया, प्लस का साइन हट जाएगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट मेंटेन्ड है दोस्तों. आप देख सकते हो जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेंटेन्ड है. ठीक है, अब इसके ऊपर एक प्रूफ है जो आपको क्वेश्चन में आने के चांसेस 100% है. वो प्रूफ काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ डेटा निकाल के रखना है, दैट इज़ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का, फिर ए बार बी बार सी,
ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार का, फिर आपको चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रूफ के लिए टाइम नहीं है दोस्तों अपने पास, क्योंकि इसको शॉर्ट में बनाना था, इसके लिए इसको फिलहाल इतना रहने देते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप टेबल बना लो ए का बी का सी का, ठीक है। RHS में क्या है, ए, फिर ए इंटू बी इंटू सी बनाओ, फिर ए इंटू बी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। ये एक टेबल हो जाएगा RHS के लिए, फिर LHS के लिए, सॉरी ये LHS के लिए, RHS के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी का बार बनाओ, यहाँ से ए बी सी की जो है उसको उल्टा ले लो, एंड देन तीनों का ऐड कर दो, फिर आप देखोगे कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो। तो LHS और RHS एक ही टेबल में करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट्स ऑल इज अबाउट डी मॉर्गन थ्योरम। स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखो, प्रूफ एकदम प्रॉपरली करके दिखा दो, हो जाएगा। देन इसमें आ जाता है अपना कुछ लॉस या फिर कुछ लॉ लगते हैं जो भी है, तो वो लॉ तो आपके बुक में रहेंगे। सो वी विल डायरेक्टली गो टू वन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो कुछ ऐसा है, तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। सिंपल है, पहले सबसे बड़ी वाली लाइन तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी वाली लाइन तोड़ दूँ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉट। यहाँ पे सेपरेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पे सेपरेट लाइन आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये दो भी दो अलग अलग इनपुट है, ये दोनों के बीच में भी डॉट है, तो अगर मैं ये बड़ी वाली लाइन फिर से तोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए बार, ए इंटू ए प्लस बी बार, है ना। ये ए इंटू बी बार का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी बार। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉ है, इन द एक्स्ट्रा लॉ इन द सेंस, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, ये जो बार है फिर से ये दोनों पे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसल हो जाएगा, अगर मैं वन का कॉम्प्लीमेंट लूँ मतलब जीरो, फिर से अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लूँ मतलब जीरो का कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन, तो यहाँ इसका मतलब दो कॉम्प्लीमेंट बनता है कैंसल, प्लस बी बार डॉट ए प्लस ए बार प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया दोस्तों, तो है ना इजी। बस आपको क्या याद रखना है, बार हटेगा, बार हटेगा तो क्या लग जाएगा वहाँ पे, साइन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसको कैसे करना है प्रोसेस। क्या किया, बार हटाया, डॉट लगाया और ये बार सेपरेट हो गया, बार सेपरेशन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का सेपरेशन हो जाएगा एंड साइन चेंज। फिर यहाँ पे साइन चेंज, बार सेपरेशन, साइन चेंज, बार सेपरेशन, बार बार कैंसिल, जीरो यानी कि सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द डी मॉर्गन लॉ के हेल्प से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक राइट नाउ दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक दोस्तों हमारा, दैट इज हाफ एडर। हाफ एडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले वो जान लेते हैं। हाफ एडर यानी कि जिसमें हमें कोई चीज़ ऐड करते, जब दो चीज़ ऐड करते तो हमें दो आउटपुट मिलता है, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर हाफ एडर। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू बिट्स हो रहा है, तो जो दो चीज़ ऐड करने वाली, दैट इज़ ऑगेंड एंड एडेंड, ऑगेंड एंड एडेंड, एंड आउटपुट कौन से मिलने वाले, एक सम मिलेगा, एक कैरी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा सर्किट है, हाफ एडर का ये सर्किट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए और बी है, दैट इज़ आवर इनपुट। ए मेरा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से मैं देखूँ तो ऑगेंड, एंड ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा मेरा, एडेंड, ठीक है। अब ये दोनों किसको कनेक्टेड है, एक्स और, एक्स और हमारे, हमने देखा ना कि वो एक्स और का फंक्शन कैसे होता है दोस्तों, उससे कनेक्टेड। एक्स और का मतलब एक्सक्लूसिव और होता है, तो उस पर कनेक्टेड। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस जीरो बी। इसका मतलब क्या था, हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, हाँ इसका मतलब ये था, यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया है, चेंज किया है तो वो है नहीं अवेलेबल फिलहाल, उसमें मिटा के लिखा था, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमें सम में आंसर आएगा, जो हमारा सम वाला आउटपुट रहेगा, उसमें ना अगर दोनों में से एक मिनिमम रहेगा तो मैक्सिमम आउटपुट देगा, दोनों मैक्सिमम या दोनों मिनिमम रहेगा तो वो मिनिमम ही आउटपुट देगा, ठीक है। एंड कैरी क्या हो जाता है, कैरी इज ऑलवेज, जब मैक्सिमम रहेगा तो ही वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो ये दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो एक्स और की तरह था, और जो कैरी का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरी का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है वो किसकी तरह देखने को मिल रहा है दोस्तों, एंड, एंड वाले गेट की तरह है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाला सर्किट यूज़ किया है, सॉरी गेट, एंड एंड वाला गेट यूज़ किया है, ठीक है। अब इसका अगर मैं लॉजिक डायग्राम की बात करूँ
वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे ये इक्वेशंस पे। सम कैसे आया? ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, है ना, एंड ये ए बी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो कनेक्शन ले लिया। तो सबसे पहले मैं सम की बात करती हूँ, मुझे सम निकालना है, तो मैंने कनेक्शन को आगे किया, नॉट लगा के उसका ऑपोजिट ले लिया। अगर ये एक्टिव है तो नॉट लगा के ये डीएक्टिव हो जाएगा, ऐसा इस फॉर्मेट में लिया, ठीक है। देन इसको मैंने एंड से कनेक्ट किया, बी को कनेक्ट किया, तो ये ए बार बी बार मिल गया। अब ये चाहिए मुझे, मतलब मुझे बी पे नॉट लगाना पड़ेगा, तो मैंने बी का कनेक्शन लिया, उस पर नॉट लगा दिया। फिर एंड देख सकते हो आप, यहाँ पे है ये ए हो जाएगा। तो फिर ये जब आ गया एंड गेट से बाहर आएगा, तो इसका आउटपुट रहेगा ए बी। फिर इसको मैंने जब और में कनेक्ट कर दिया, और हमें क्या देता है? प्लस का साइन देता है। तो यहाँ पे ये प्लस के साइन से हमें सम मिल गया। एंड कैरी क्या है? कैरी तो एकदम सिंपल सादा सा अपना एंड है, तो उसको मैंने सीधा सीधा एंड से कनेक्ट करके दिखा दिया। सो दिस इज अ लॉजिक डायग्राम दैट वी हैव टू फॉलो व्हेनेवर वी आर कंसिडरिंग द हाफ एडर। इतना करके आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, सेंटेंसेस बहुत अच्छे से फ्रेम करने आना चाहिए दोस्तों आपको। जैसे सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ट्रूथ टेबल कैसे बन रहा है, लॉजिक कैसे लग रही है, ये वैल्यूज इस तरह है, तो इनका रिलेशन किसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, सारे के सारे लिख के रख दिए हैं। आपको इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके अपना आंसर लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ लॉजिक डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना किसका डायग्राम हो गया, ये अपना हाफ एडर का डायग्राम हो गया, ठीक है। एंड ये उसका क्या हो गया दोस्तों? ट्रूथ टेबल हो गया। देन इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब जाते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज फुल एडर। फुल एडर में हम लोग के पास ना तीन इनपुट होते हैं दोस्तों। तो पहला इनपुट रहेगा हमारा जो ए, दूसरा बी एंड थर्ड वन विल बी सी इन, मतलब सी वाला इनपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या मिलेगा, सम सी आउट, ऐसे दो आउटपुट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बन जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक बार ध्यान दे दो। सी वेरी सिंपल, तीनों जो भी है हमारे पास इनपुट, उसका कनेक्शन सबसे पहले हम लोग ने एक्सक्लूसिव और को दिया, जिसकी वजह से उसका सम इस तरह आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मेरा ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे जब इन सब में ऐसा कुछ था कि भाई अगर एक, सिर्फ एक इनपुट रहेगा जो एक्टिव रहेगा, तो वो एक्टिव रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैं सम की बात कर रही हूँ, ये जो सम है उसमें जब सिर्फ एक इनपुट एक्टिव था, क्या बोला मैंने, एक ही इनपुट एक्टिव था, तो वो एक्टिव था। एक मिनट, एक इनपुट एक्टिव है, एक ही एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, यहाँ भी एक ही एक्टिव है, और कहीं एक एक्टिव है, हाँ यहाँ, यहाँ एक एक्टिव है तो एक्टिव है, और वरना सब एक्टिव है तो वो सब में एक्टिव है, ठीक है। सो ये इस तरह है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ गया, जो मेरा सम है वो एक्स और गेट का कनेक्शन दिखा रहा है। देन ये जो सी आर आउट है, ये कौन से गेट का कनेक्शन दिखा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो सी आउट है वो ना सारे के सारे एंड का दिखा रहा है। देखो ए और बी और सी, ये तीनों एंड में, तो वो ऑफ है ना, ये भी पूरा ऑफ है, ये भी। जब वो ऑन कब होता है दोस्तों हमारा, जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटलीस्ट दो तो ऑन रहे। क्या बोला मैंने दोस्तों? एटलीस्ट दो तो ऑन रहे, जिसकी वजह से इसका ये फंक्शन आ जाता है, सी आउट, ए बी, ए बी सी इन और ए बी सी, ये तीनों में एंड गेट लगता है। तो आपको अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप ये बना सकते हो। इसका लॉजिक डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा दोस्तों, बट आप इजीली बना सकते हो, है ना। पहले ए बी सी में कनेक्शन दिखा दो एंड गेट की हेल्प से, देन नॉट गेट लगाओ ए और बी के कनेक्शन में, फिर सी के साथ एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, यहाँ पर भी एंड 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 आ जाएगा, फिर सारा का सारा आप एक साथ ऐड कर सकते हो, दैट इज और। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट हाफ एडर्स। हाफ एडर का इस तरह आप डाल सकते हो, ट्रूथ टेबल बना देना, लॉजिक डायग्राम। अगर आपको यहाँ पे लॉजिक डायग्राम दिख रहा है, आई मीन लॉजिक नहीं, ये तो हाफ फुल एडर का डायग्राम है। लॉजिक डायग्राम कैसे जाएगा देखो, सिंपल है। पहले तीन कनेक्शन ले लेते हैं, ए बी और सी, है ना। ऐसे कनेक्शन निकालो, सबसे पहले आप ए बी सी को एक साथ एंड में कंसिडर कर दो, फिर ये मैं फर्स्ट सम बना रही हूँ। फिर यहाँ पे ए और बी को नॉट गेट चाहिए, तो ए का नॉट गेट हो गया, यहाँ पे बी का नॉट गेट हो गया। अब आप फिर से इसको एंड में कनेक्ट कर दो, और सी का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे। थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर बना ले, ठीक है। देन सेकेंड क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बी और सी पे, तो यहाँ पे ए का डायरेक्ट कनेक्शन ले लो, फिर यहाँ पे बी के इस पे नॉट लगा दो एंड सी के इस पे नॉट लगा दो, ठीक है।
आप ऐसे भी जा सकते हो, वरना ये जो बी का यहाँ पे आपने कनेक्शन दिया है यहाँ से भी आप कनेक्शन ले सकते हो। आइदर यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस, चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप जब इसको कंप्लीट करोगे ना, तब आपका लॉजिक डायग्राम बन जाएगा। इजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको लॉजिक के साथ आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारा हाफ एडर और फुल एडर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायग्राम जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सो दोस्तों, स्क्रीन के सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अभी माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, वो जो हमारे पीसीज में प्रेजेंट रहता है, पर्सनल कंप्यूटर्स में प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। एंड बेस्ट पार्ट इज इस इतना छोटे, मतलब लाइक दे कैन कैरी आउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू वॉन्ट टू डू, राइट। वो अभी हम तो देख ही रहे कि कितना जोरों शोरों से हमारा जो पेस है लाइक रिगार्डिंग द इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स और माइक्रो कंट्रोलर्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम्स में तो सिर्फ डायग्राम पूछेंगे, सो डायग्राम इधर है, आपको सारी चीज़ें सीपीयू की तरफ डायरेक्टेड दिखाना है। यहाँ एक ऑसिलेटर है जो एक क्रिस्टल से कनेक्टेड है, जो कुछ फ्रिक्वेंसीज के बाद एक्टिवेट हो जाता है, एंड ये फिर सीपीयू की तरफ अपना डायरेक्शन देगा। इंटरप्ट कंट्रोल्स, अगर मान लो कुछ भी इनपुट में या फिर कुछ भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे डेटा, वहाँ पे कुछ इंटरप्शन आता है, तो दो ऑप्शन है, टाइमर वन टाइमर जीरो, तो वो दोनों के हेल्प से इसमें कंट्रोल हम कर सकते हैं। देन देर आर 4 byte रोम, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर करना रहेगा हमें। रैम है हमारे पास, देन आईओ के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ए 16 तक आईओ के पोर्ट्स जाते हैं, पीओ P2 P1 P3 एड्रेस डेटा, देन यू हैव अ सीरियल पोर्ट हियर, एंड देन यू हैव अ बस कंट्रोल। तो ये सारे डायग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरो का साइन। एरो का साइन गड़बड़ हुआ तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज़ एरो का साइन आप एग्जाम में पढ़ते वक्त ध्यान से देना, एंड ये डायग्राम को 5-6 बार तो बना ही लो दोस्तों, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आता ही है। या तो ये आएगा, या तो जो मेरा नेक्स्ट है, एक मिनट ओपन करती हूँ, वो है ये, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम। माइक्रो प्रोसेसर तो आपको पता है हमारा छोटू सा कंप्यूटर जो पूरा कंप्यूटर वाला काम कर देता है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एरे, ठीक है। ALU में क्या होते हैं, सारे हमारे एथमेटिक फंक्शन, जो भी एथमेटिक चीज़ें होती वो हम करते हैं। देन देर इज अ कंट्रोल यूनिट दैट हेल्प अस टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स। देन वहाँ पे एक रजिस्टर एरे है जहाँ पे हमारा सारा आउटपुट इनपुट सेव होता रहता है। देन यू हैव गॉट द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्यों, ताकि वो रजिस्टर एरे जो सेव किया वो मेमोरी यूनिट में भेज के फिक्स कर दे लाइक परमानेंटली। अभी ये जो डेटा मैं कर रही हूँ वो माइक्रो प्रोसेसर को मिलता कहाँ है, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस है। एंड आउटपुट डिवाइस क्या हो जाती है हमारी, प्रिंटर हो गया, या फिर हम लोग का कोई प्रोग्राम हो गया, कोड जो रन करना है वो। सो दिस इज बोथ डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज़ को समझ के रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं दोनों चीज़ का। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट अ कंप्लीट, हम क्या बोल सकते हैं उसको, चिप, लाइक एक चिप है जिसमें सारे एक्शंस कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को और भी उसके साथ दोस्त चाहिए रहते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ एक मिनट। सो माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, सारे एक्टिविटीज कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो खुद में एक इतना बड़ा कंप्यूटर है कि उसके अंदर सारे माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट रहते हैं जिससे वो एक्टिविटीज करता है। देन और एक क्या डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर को ALU लगता है, देन उसको IR IPR अलग अलग सारी चीज़ें लगती है, टाइमिंग काउंटर वगैरह सब लगता है। बट वेन इट कम्स टू माइक्रो कंट्रोलर, उसके खुद के पास इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, पूरी सर्किटरी होती है, एंड उसके पास खुद का परमानेंट मेमोरी डेटा होता है लाइक रैम रोम एक्सेट्रा, ठीक है। एंड अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे चिप्स लगते हैं कोई भी एक एक्टिविटी करने के लिए। बट वेन इट कम्स टू माइक्रो कंट्रोलर, सारे के सारे चिप्स एक ही माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट रहते हैं, सो मुझे एक्स्ट्रा एक्टिव चिप्स को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे कम एक्सटर्नल इनपुट्स देने पड़ते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रो कंट्रोलर, उसका आपने डायग्राम तो देखा है कि वो CPU अकेले को कितना सारा इनपुट लग रहा था, तो मैं उसको एक वर्ड में बोल सकता हूँ दैट इट इज़ मल्टी फंक्शनल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स लग जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसका मेमोरी काफ़ी लार्ज है, हम लोगों ने देखा ना वो डायग्राम में। बट वेन इट कम्स टू माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी उसकी छोटी हो जाती है। देन आप क्या कर, उसके अंदर और एक डिफ्रेंशिएशन डाल सकते हो, याद करो माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी एड्रेस स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पे एक मैप लगता है मेमोरी मैप, बट यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारा है तो यहाँ पे बहुत सारे लगते हैं। तो इस तरह कुछ मैंने तो आपको 5 बता दिया, आप उससे ज़्यादा लिख सकते हो एग्जाम्स में। तो ऐसे करके आप ये वाला चैप्टर इजिली कंप्लीट कर सकते हो।
काफी सॉर्टेड था, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों. बट वॉट यू हैव टू डू, बुक सामने रखो, वीडियो रखो एंड गो ऑन एंड कैरी ऑन. जो जो चीज बोला उसको करके जाओगे ना, इजिली ये चैप्टर आपका लाइक रफ एंड टफ क्लियर हो जाएगा, नो डाउट. ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें प्यार दीजिए. टिल देन लेट्स गेट सेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.